भारत वर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको चरितार्थ करने के लिए मनाया जा रहा है सौराष्ट्र तमिल संगम। ये संगम है पश्चिम के गुजरात और दक्षिण के तमिलनाडु राज्य की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज के संगम का। दशकों पहले सौराष्ट्र से स्थानांतर करके तमिलनाडु के मदुराई के आसपास में जो लोग बस गए थे, वो सौराष्ट्रियन तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मातृभूमि से पुनः मिलन का पर्व है सौराष्ट्र तमिल संगम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र को सार्थक करने हेतु स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं जिला प्रशासन ने भारी जहमत उठाई है। संगम में हिस्सा लेने वाले अतिथि का स्वागत से लेकर एकता नगर के पर्यटक स्थलों के दौरे तक की सभी चीज का बारीकी से ख्याल रखा गया। आए हुए सभी अतिथियों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के दौरान सबने जाना कि सरदार साहब की प्रतिभा जितनी भव्य है, प्रतिमा उतनी ही भव्य है। और एकता मॉल में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की सभी हस्तकला कृति की विविधता में एकता का भी अनुभव किया है, एवं नर्मदा आरती में हिस्सा लेकर दर्शन मात्र से पवित्र हुए और कुछ इस तरह से मनाया गया सौराष्ट्र तमिल संगम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन एवं गुजरात टूरिज्म द्वारा अतिथियों को जीवन भर एकता नगर की मुलाकात यादगार बनाने हेतु स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ली हुई तस्वीर भेंट की गई। मिक्क नंद्री, वणक्कम मोदी जी, उपेंद्र जी। थैंक यू, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம். சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கம் அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்த நம்முடைய மோடிஜி அவர்களுக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாழ்க மோடி, வாழ்க புபேந்திர பாட்டில், ஜெய் ஹிந்த். வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆய்ப்பாந்தானா கவர்மெண்ட்னா சர்க்கார்னா. தேங்க்யூ மோடிஜி, தேங்க்யூ உபேந்திர ஜி, பஹுத் தன்யவாத் கர்த்தா ஹூ. நரேந்திர மோடி ஜி கோ और गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल को इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद मैं गुजरात पीपल को भी दे रहा हूँ।